अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां विधायक भरत सिंह चौधरी ने शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक चौधरी ने अपने कार्यकाल में 600 करोड़ से अधिक विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। इसके साथ ही विधायक चौधरी ने बताया कि रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लिए विगत 2 वर्षों में 600 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मेरा ये मानना है कि परफेक्शन कहीं नहीं होता है। कहते हैं मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये अगर मैं ये कहूं कि मैंने 100% अपनी घोषणाओं पे काम कर लिया, तो मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति होगी। निश्चित रूप से कुछ काम हैं जो अभी भी होने बाकी हैं। मैंने खुद ही कहा कि चिरबटिया में कृषि महाविद्यालय को लेकर के मैं चिंतित हूँ। चिरबटिया में ही लुठियाग की जो मोटर रोड है उसको लेकर के अभी थोड़ा और समय लगने की संभावना है। हमारी छेनागाड़ बधानी ताल जो मिसिंग लिंक है उसका बेशक प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन वो भी हमारी चिंता का एक विषय है जिसको अभी होना बाकी है। तो इस तरह से जहाँ बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो चुनिंदा काम ऐसे भी हैं जो अभी भी होना बाकी है।